अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। वीडियो की शुरुआत अडेनियम के बहुत ही खूबसूरत फूलों के साथ। सुबह सुबह का वक्त है, तकरीबन 8 बज रहे हैं और आज हमारे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि सब बेहाल थे, लेकिन थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ है और बारिशें शुरू हो गई। ये देखिए बिस्मा, बिस्मा से हाय, इधर देखो बिस्मा, हाय कर दो। ये हमारी नमासी साहिबा, इधर देखिए मेरा हर सिंगार का प्लांट, और जो अब बहुत बुशी हो रहा है, और इसमें देखिए ये फ्लावर्स आए थे, बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर्स लगते हैं, बहुत ही भीनी भीनी अच्छी सी खुशबू उसकी होती है। तो और जिनमें फ्लावरिंग आज हो रही है, मैं उन प्लांट पे ख़ास फोकस करूँगी। और इधर देखिए हमारे नाग चंपा, इनमें भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और मैं दिखाती हूँ आपको। इधर देखिए हमारे सब चंपा लगे हुए हैं, इधर नाग चंपा की कटिंग लगी हुई है। और कल पानी दिया मैंने प्लांट्स को, तो फोर्स बहुत तेज़ था, तो उसकी वजह से सब मिट्टी बह गई देखिए, और इसमें मिट्टी डालनी है। और इधर देखिए फ्लावरिंग हो रही है खूब अच्छी। और ये हमारा पर्सलेन, और देखिए मधुमक्खियाँ आती हैं। और इधर देखिए पर्सलेन रेड वाला इधर। अच्छा, अब पोर्च इलाका में फ्लावरिंग कम हो गई, हालांकि अभी बहुत अर्ली मॉर्निंग है। ये जैसा कि इसका नाम है 10 बजे, तो 10 बजे के आसपास में फ्लावरिंग होती, बर्ड्स बनी हुई हैं, लेकिन अब उतनी बर्ड्स नहीं बने। बिस्मा जा रही हो, जा रही हो, बाय बाय, बाय कर लो, बाय करो, आएंगे अभी। नन्ना आइए, बुला रही हैं हमको भी। और ये देखिए, इधर देखिए हमारा गोरी चोरी खूब अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। ये देखिए इसके फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बंचेस में आते हैं, और मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ इसका बंच। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से बंचेस में, बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है सुबह सुबह। जैसा कि शुरू में बताया मैंने कि कई दिनों से बहुत शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी, तो अब उस झुलसाने वाली गर्मी से आज राहत है अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है आसपास कहीं इलाके में बारिश हुई हो, तो यहाँ ठंडा हो गया है, जैसे भी है लेकिन राहत हो गई है। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इधर, इधर भी देखिए कैसे भर भर के इसमें फ्लावर आते थे, आप लोगों ने देखा भी होगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया जाए कि इनके ऊपर से जो है पिंचिंग कर दीजिए, हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, जो इसमें नए शूट्स आएंगे तो वो बर्ड्स लेते हुए आएंगे। हालांकि बर्ड्स देखिए भरी हुई हैं अभी भी, लेकिन इनकी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा इनकी हाइट हो गई है कि वो तेज़ हवा चलती है या मैं फोर्स से पानी दे देती हूँ तो सब बेचारे प्लांट्स लेट जाते हैं। तो इस तरह से है, वरना इनको मैं कहाँ तलाश करूँगी कि कहाँ कहाँ से मैं इनको कट करूँ, और इनफैक्ट मेरे पास टाइम भी नहीं है। बिस्मा आई हुई हैं मेरी नमासी साहिबा, तो इसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गई हूँ, सारा दिन काम, और दूसरे मेरे घर के मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह डेली ही किसी ना किसी का आना होता है, तो फिर यूँ तो इतना ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन अब यह है कि बेटी आई हुई हैं तो लोग मिलने जुलने आया करते हैं, तो उनको टाइम देना है। अच्छा, अब इधर देखिए हमारा फायर क्रैकर्स, इसमें इस तरह से फ्लावरिंग होती है, इस तरह से देखिए। तो लास्ट ईयर की जो हमारी वीडियोज़ हैं उनमें आप देखिएगा, बहुत अच्छे खूबसूरत फ्लावर आए थे। अच्छा, इस सीज़न हुआ क्या कि मैंने इनकी हार्ड प्रूनिंग कर दी, जो पुरानी ब्रांचेस होती हैं वो सूख जाती हैं, एकदम लकड़ी हो जाती हैं, सूखी डंडियां लगती हैं। मैं दिखाती हूँ आपको इस तरह से, ये देखिए, ये इस तरह से एकदम सूख गई थी, तो मैंने उनको कट कर दिया। तो हार्ड प्रूनिंग करने की वजह से इनमें जो है शूट्स वगैरह आए, तो लेकिन देर से आए, तो अभी इतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हुई नहीं है। लास्ट ईयर बहुत अच्छी फ्लावरिंग थी, बहुत अच्छे लगते हैं इसके फ्लावर्स, घंटियों में लटकते हुए रहते हैं। और ये देखिए हमारा गुलमोहर का प्लांट, और देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं सदाबहार,
रात में पानी दिया था, इस वाले पॉट में मेरे पानी रुकता है, ठहरता है, तो इसका कुछ मैं ट्रीटमेंट करूँगी। और इसमें पानी भरा हुआ है, और इधर हमारे सारे बोगनविलिया, इनकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, तो देखिए नए नए शूट्स आए हैं। और मैंने जो कटिंग्स लगाई थी ऑलमोस्ट सारी ही कटिंग लग गई हैं। और इधर देखिए हमारे चंपा के प्लांट के ही पॉट में, ये देखिए एक देसी वाला जो हमारा पॉइनसेटिया होता है, सीड्स से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, तो वो ग्रो हो गया है। इधर हमारा स्वीट पोटैटो वाइन भी एक पॉट में लगा हुआ है, एज ए मल्चिंग मैंने लगाया था, तो तेज़ धूप की वजह से थोड़ा सा कलर इसका डल हो रहा है। और ये इस तरह से इधर वाले बोगनविलिया की भी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, और कल मैंने पानी दिया शाम को, लेकिन आज आसार कुछ ऐसे लग रहे हैं। मेरे साथ होता है, मैं जब पानी दे देती हूँ तो फिर बारिश हो जाती है, और वरना झुलस रहते बेचारे प्लांट हमारे। और इधर देखिए जब से मैं टेरिस पे लेके आई हूँ अपने ये गुड़हल, तब से बिल्कुल एकदम हवा की तरह उड़ गए मिलीबग्स, वरना मिलीबग्स का इतना ज़्यादा अटैक था कि इस बार हम लोगों ने कोई मज़ा ही नहीं जाना गुड़हल में फ्लावरिंग की। अब देखिए फ्लावरिंग भी शुरू हो गई। अब चूँकि होता क्या था, मैं इनको कट कर देती थी ऊपर से, जब जैसे मिली बक्स लगते थे तो मैं कट कर देती थी। अब इसमें देखिए फ्लावर आना शुरू हो गए हैं, ये देख लीजिए। और ये देखिए हमारा ये भी कटिंग से लगाया हुआ हमारा कनेर का प्लांट है, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, और ये बेतरतीब सा हो रहा है। देखिए इस तरह से इसकी टहनियाँ इधर से इधर तक लटक रही हैं, और मैं जब ऊपर आती हूँ तो खाली हाथ चली आती हूँ, मुझे याद नहीं रहता मैं कोई रस्सी वगैरह लाऊँ तो इसको बांध दूँ। इधर देख लीजिए हमारे सारे गुड़हल अब बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो अब चूँकि इनका सीज़न तो देखिए ऑलमोस्ट चला ही गया, और आने होंगे इसमें फ्लावर्स तो आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। जो नए शूट आएंगे तो वो कलियाँ लेते हुए आएंगे, और बाकी तो अब उम्मीद नहीं है। अब कि हर साल मेरे गार्डन में गुड़हल की बहार रहती थी, इतने ज़्यादा गुड़हल खिलते थे, लेकिन इस बार नहीं है। गुड़हल तो हैं लेकिन फ्लावर्स नहीं है, क्योंकि मैं उनकी टिप्स को कट करती रहती थी मेरी बक्स की वजह से, तो उनमें फिर फ्लावरिंग कहाँ से होती। और मैं आपको दिखा रही हूँ, इधर भी देखिए हमारा गुड़हल वो लगा हुआ है बोगनविलिया, ये भी कटिंग से लगाया था, और इसका तो मैं लास्ट तक के कुछ नहीं कर पाई, हालांकि अभी भी बहुत वक्त है, अगर मैं कटिंग्स लगाऊं तो मैं इनकी कटिंग लगा दूं, लेकिन बस वही है कि टाइम की कमी। और इधर देखिए मधुकामिनी है हमारा, तो इसमें देखिए पता नहीं बर्ड्स बनती हैं कि क्या होता है, लेकिन जो है मैंने कभी ये सीड पॉट हैं, सीड पॉट से मैंने कभी इन सीड से कभी इनको ग्रो होते नहीं देखा, हो सकता है मे भी हो जाते हैं, मुझे नहीं पता। और इनमें खूब सीड्स आए हुए हैं, इस तरह से देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए पता नहीं दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, इस तरह से देखिए ये सब सीड्स आए हुए हैं। और इधर हमारा चंपा है, चंपा में खूब फ्लावरिंग होती है, फेब्रवरी से शुरू हो जाती है, देखिए अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर तक इसमें बस वही 2 महीने जो रहते हैं हमारे पीक की ठंडक जो पड़ती है हमारे यहाँ, तो बिल्कुल ये डोरमेंट हो जाते हैं, डोरमेंसी में चले आते हैं, तो उस तभी उस दौरान कोई फ्लावरिंग नहीं होती, वरना ऑलमोस्ट इसमें फ्लावरिंग होती रहती है, ये देख लीजिए। और बस मौसम अच्छा देख के मैंने मोबाइल उठाया ऊपर चली आई, वरना फिर आने का मन ही नहीं करता। और ये देखिए मेरी कितने बार की सोची हुई प्लानिंग है कि इसको मैं देखिए ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस तरह से देखिए इतना ये लैगी सा हो गया है, तो मैंने बहुत बार सोचा इसको कि मैं कट करके यहाँ से कट कर दूँ यहाँ से, और कट करके इनकी कटिंग्स लगा दूँ, लेकिन फिर इधर कुछ दिनों से इतनी तेज़ धूप हो रही थी कि फिर हिम्मत नहीं पड़ी कि प्लांट भी कट कर दूंगी और कटिंग लगे ना लगे। और एक दिन अपनी कटिंग्स मैंने शो करी थी, वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि जो है देखिए मेरी कटिंग्स का रिज़ल्ट, तो कटिंग्स मेरी खूब हो गई हैं सक्सेस,
और मैंने अलमंडा की भी कटिंग लगाई है। अलमंडा देखिए नीचे हमारा लगा हुआ है, वो देखिए फ्लावर्स में आ रहे हैं, तो हमारी कटिंग्स खूब सक्सेस हो गई हैं और अलमंडा लगाई है। देखते हैं अलमंडा की कटिंग्स लगाई हैं, देखते हैं कि क्या होता है। और अभी तो लग रहा है कि वो सक्सेसफुली ग्रो हो रही हैं और बाकी रिज़ल्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जैसा होगा। और इससे पहले जब कभी मैंने अलमंडा की कटिंग्स लगाई तो नहीं चली, दो चार बार लगाई तो मैं जैसे कि मैं सोचती थी कि थोड़ी थिक कटिंग इनकी लगती, थिक कटिंग लगाती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थिक कटिंग होता क्या है, जैसे पाइप होता है, कोई नलकी होती है तो उसमें होल होते हैं, इस तरह की उनकी टहनियाँ होती हैं। लेकिन जो बिल्कुल ऊपर की ब्रांच थी टॉप की, वो उन ब्रांचेस को मैंने ले के कट करके और यही सिंपल सी रिवर्स एंड में लगाया है और ऐसा लग रहा है उसमें ग्रोथ हो गई है, तो मैं उसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। चलिए गाइस, नीचे जाने का मन नहीं कर रहा है, इतना ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन घर के भी सारे काम भी पड़े हुए हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।